हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना पर निगरानी के लिए सरकार ने सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य किया है, लेकिन अब आरोग्य सेतु को लेकर जबरदस्त घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी ने आरोग्य सेतु को संदिग्ध घोषित कर दिया है। एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कोरोना जैसी भीषण महामारी से लड़ने के लिए बनाया गया, वो अब सियासी लड़ाई का हथियार बन गया है। आरोग्य सेतु नाम के ऐप पर विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी दोनों ने इसे लोगों की प्राइवेसी में सरकारी दखल बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये एक जटिल निगरानी प्रणाली है जिसे एक प्राइवेट ऑपरेटर से आउटसोर्स किया गया है, जिस पर कोई संस्थागत निरीक्षण नहीं है जो इसकी गंभीर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को उठा सके। तकनीक हमें सुरक्षित रख सकती है, लेकिन बिना लोगों की सहमति के उनके भय का लाभ लेकर उनको ट्रैक नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी के इस ट्वीट का जवाब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप पर राहुल गांधी की आपत्ति को झूठ करार दिया। रविशंकर प्रसाद ने लिखा, रोज एक नया झूठ। आरोग्य सेतु एक ताकतवर साथी है जो लोगों को बचाता है। इसकी डेटा सिक्योरिटी तगड़ी है। वो लोग जो सारी जिंदगी जासूसी करवाने में लिप्त रहे, वो नहीं समझ पाएंगे कि तकनीक का कैसे अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। हद हो गई। दिस इज द वर्स्ट थिंग वन कैन थिंक अबाउट। आरोग्य सेतु नाउ गूगल हैज कम आउट विद सच ए ऐप, सो वर्ल्ड ओवर दिस ऐप इज बीइंग प्रेफर्ड over other means of tracking and mapping the pandemic, and therefore giving alerts is the only job this app does. असल में आरोग्य सेतु नाम का ये ऐप ब्लूटूथ और GPS की तकनीक पर काम करता है। जैसे ही कोई स्वस्थ व्यक्ति कोरोना संक्रमित के संपर्क में आता है तो ये ऐप उसे आगाह कर देता है। सरकार ने 1 मई को नई गाइडलाइंस जारी करते हुए निजी और सरकारी दोनों कंपनियों के कर्मचारियों के लिए ये ऐप डाउनलोड करना जरूरी कर दिया है। लेकिन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी इस पर आपत्ति है। उन्होंने ट्वीट करके इसे निजता का उल्लंघन करार दिया है। ओवैसी ने लिखा, केंद्र की सरकार ताली थाली और एक अजीब से ऐप के जरिए कोरोना से लड़ रही है। साथ ही अब फरमान ये आया है कि इसे सब लोग डाउनलोड करें, ये हमारी निजता का उल्लंघन है। लेकिन BJP कह रही है कि आरोग्य सेतु के फायदे बहुत हैं। BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने विरोधियों को सलाह दी है कि वो ऐप को लेकर झूठ न फैलाएं। भारत सरकार ने स्पष्टतः कहा कि आरोग्य सेतु में किसी प्रकार का कोई सर्वेलेंस नहीं है, अपितु आरोग्य सेतु हम सबका पर्सनल बॉडीगार्ड है और हम सबको कोरोना वायरस से बचाने की हिदायत देता है। किस प्रकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस युद्ध में जीत सके, उसका प्रयास आरोग्य सेतु है। कि शंका और षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के मन के अंदर बैठा हुआ है, उनके भावना में ही बसता है, इसलिए हर विषय में उनको शंका और षड्यंत्र नजर आता है। भारत सरकार ने 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप की मदद से आप अपने आसपास के कोरोना मरीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन तकनीक के जरिए जीवन बचाने वाला ये इंतजाम फिलहाल सियासी घमासान की वजह बना हुआ है।